तो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें दो सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम और साथ ही साथ सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा सिस्टम लिखवाया गया है सर्कुलर सिस्टम। तो हम थर्ड सिस्टम आज बताते हैं आप लोग को, सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर कैसे करते हैं, तो रेडियन में करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं, जो एंगल का ऐसा यूनिट भी होता है। तो सबसे पहले बताते हैं ना कि वन रेडियन होता क्या, कैसे बनाया गया वन रेडियन। वन रेडियन, और इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे ऐसे, देखो वन का पावर सी, तो सी मतलब सर्कुलर सिस्टम के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे वन रेडियन। या सिर्फ अगर एंगल कहीं सिर्फ वन लिखा हो, पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे देखो पावर, जैसे हम यहाँ पे अगर ऐसे जीरो दे दिया तो इसको हम पढ़ेंगे डिग्री, वन डिग्री लिखा हुआ है। अगर पावर में जी दे दिया तो क्या पढ़ेंगे, और सिर्फ वन लिख दिया, जैसे हम लिख दिए कि थीटा इक्वल टू समथिंग 2/3 और पावर हम कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब ये जो एंगल है वो रेडियन में। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहे पावर, अगर डिग्री रहेगा तो मेंशन किया हुआ रहेगा, ग्रेड रहेगा तो मेंशन किया हुआ रहेगा। रेडियन में देखो पावर में सी लिखा हुआ मिल भी सकता, नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता। तो अगर पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो समझ लेना कि रेडियन में, ठीक है। तो वन रेडियन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफिनेशन। ये तो इसका सिंबल हो गया, कैसे डिनोट करते हैं रेडियन को। तो देखिए डिफिनेशन कैसे बनाया गया, समझिएगा आप लोग। डिफिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कोई भी एक रेडियस का सर्किल लेते हैं, एक सर्किल लेते हैं कोई भी रेडियस का, आप बड़ा सर्किल ले लो छोटा सर्किल ले लो। इसमें देखिए देखा क्या गया, जैसे मान लिया जाए कि इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं अभी इसको जनरलाइज करेंगे हम लोग, मान लिया जाए कि ये सर्किल जो बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया, इसका रेडियस मतलब त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, तो जितना रेडियस था उतना ही रेडियस का यहाँ पे एक आर्क लेते हैं। जितना रेडियस, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर एक चाप ले रहा है, आर्क जिसको बोलते हैं, तो 2 सेंटीमीटर आर्क लेते हैं। इस आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल देखा गया कितना बन रहा है। और मान लो कि एक और सर्किल लेते हैं जिसका रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी क्या देखा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का ही आर्क लेने से जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेना है। अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर ही आर्क लें और उसके द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल बराबर आता है, और इसी एंगल को हम बोलते हैं वन रेडियन। आप बड़ा सर्किल लो छोटा सर्किल लो, लेकिन आपको करना क्या है कि जितना इसका रेडियस था उतना ही इस पर एक आर्क लेना, एक चाप लेना इसके परिधि पर, ठीक है। उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना कहलाएगा, ये हमेशा बराबर आता है। आप छोटा सर्किल लेके कर सकते हो, बड़ा सर्किल लेकर, तो वन रेडियन यही होता, वन रेडियन का डिफिनेशन यही है। वन रेडियन का डिफिनेशन क्या हुआ कि कोई भी सर्किल, मान इसको जनरलाइज करते हैं, तो जनरलाइज करते हैं तो कैसे जनरलाइज करेंगे कि कोई भी सर्किल लेते हैं जिसका रेडियस हमको पता है कितना आर, तो आर लेंथ ऑफ आर्क अगर आर ही हो, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वन रेडियन बोलेंगे। तो ये रेडियन का डिफिनेशन होगा, कितना समझ में आ गया रेडियन का डिफिनेशन कैसे बनाया गया है, चलिए लिखिए। तो देखिए वन कंप्लीट एंगल या कंप्लीट एंगल जो होता है वो कैसे हम निकालेंगे, अगर रेडियन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम वृत्त में पूरा एक चक्कर लगा लें, ठीक ना, पूरा एक बार हम घूम जाए, तो हमको सोचना है कितना रेडियन का एंगल बनेगा, रेडियन का एंगल कितना बनेगा। देखो ध्यान से समझना कैसे हम निकालते हैं, अगर लेंथ कितना है आर है, आर्क का लेंथ अगर आर है तो कितना एंगल बनता है, वन रेडियन। देखिए अगर लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ है लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई, अगर आर है तो कितना एंगल बन रहा है बताइए, वन रेडियन बन रहा है। तो अगर वन यूनिट रहता इसमें तो कितना होता, वन बाई आर रेडियन होता।
अब हमको बताइए, अब पूरा जब इसमें एक रिवॉल्यूशन होगा, मतलब एक चक्कर पूरा हम घूम जाएंगे, तो कितना घूम जाते हैं, कितना यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा, 2πr होगा। अरे परिधि होगा, सर्कमफेरेंस होगा। फिर डिग्री, डिग्री में हम पूछ ही नहीं रहे हो, तुम लोग डिग्री बता रहे हो। हम देखो, ध्यान समझो, हम पूछ रहे हैं क्या, सुनो ध्यान से, हम पूछ रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, तो बताओ एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, जितना इसका परिधि होता है, जितना इसका सर्कमफेरेंस होता है, नहीं पता है? तो सर्कमफेरेंस इसका कितना होता है, 2π। परिधि का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो सब? जब लेंथ, यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं, जब लेंथ r है तो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बन रहा है, तो जब लेंथ 2πr है, 2πr में हम एक रिवॉल्यूशन पूरा मतलब कंप्लीट कर लेंगे, एक चक्कर लगा लेंगे, तो जब लेंथ 2πr है तो ये हो जाएगा 1r इंटू 2πr, r से r कैंसिल हो जाएगा, कितना रेडियन बनेगा, 2π रेडियन बनेगा। तो सुनो ध्यान से, अगर पूछा जाए कि 1 कंप्लीट एंगल जो होता है डिग्री में कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, और रेडियन में कितना होता है, 2π रेडियन होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। ना समझ में आया? एक कंप्लीट एंगल जब एक चक्कर लगाते हैं, तो जब डिग्री में मेजर करते हैं तो 360 डिग्री होता है, और वही जब रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2π रेडियन आ रहा है। अब इसको देखो, ऊपर में सी लिखे या नहीं लिखे अभी बताए, तो हमको बताइए, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया, तो ये याद रखना, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज होगा। अब पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कितना, लगभग हम लेते हैं 3.14 या 22/2, सबको पता है ना, तो वही है, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। आज के बाद ये याद रखें, याद रहेगा ना। देखिए, यहाँ एक और छोटा सा हम फार्मूला पढ़ते हैं, और फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू, देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कि कोई सर्किल है, यहाँ पे सब कोई देखो ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सर्किल है, और मान लिया जाए कि ए आर्क का लेंथ हमको पता है एल, कुछ भी लंबाई पता है, यहाँ से यहाँ का लेंथ पता है एल, और इसका रेडियस है आर, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा रेडियन। मान लिया जाए कि सेंटर पे इस लेंथ के द्वारा एंगल जो बन रहा है, ठीक ना, कितना बन रहा है, थीटा रेडियन बन रहा है, रेडियन, अगर कुछ ऊपर में नहीं लिख रहा है मतलब थीटा रेडियन में, तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल वाई आर, थीटा इक्वल टू होता है एल वाई आर, ए फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे थीटा जो है डिग्री में नहीं है, थीटा इज इन रेडियन, रेडियन में लेना है आप, अगर डिग्री में है भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको रेडियन में बदल देना है। तो ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल वाई आर। अब ये फॉर्मूला आ कैसे गया, अभी थोड़ा सा समझाते हैं कि कहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो अभी रेडियन का जो डिफिनेशन पढ़े हो ना, उसी से फॉर्मूला निकल के आया, देखिए कैसे आप कर सकते हो। देखिए, आपको हम बताए कि जब लेंथ ऑफ आर्क जब रेडियस कितना रहता है, आर रेडियस के बराबर रहता है, तो एंगल कितना बनता है, 1 रेडियन बनता है। यही ना बताया कि जब लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो एंगल सेंटर पे कितना बनता है, 1 रेडियन। तो मान लिया जाए कि रेडियस आर के बराबर लेंथ ना लेके हम कुछ और लेंथ लेते हैं, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी इन जनरल हम बोल रहे हैं कि एल है, तो इसके द्वारा कितना एंगल बनेगा, तो सिंपल है, तो 1 यूनिट के लिए निकालोगे तो 1r रेडियन, और मान लो कि लेंथ एल रहेगा तो कितना एंगल बनेगा, 1r into l रेडियन, यही ना बनेगा एंगल। और इस एंगल को हम बोल रहे हैं कि यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ क्या आ गया कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया, बताओ, l/r रेडियन, रेडियन में आ रहा ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला यूज करना है l/r, तो ये थीटा हमेशा क्या चीज़ में लेना होगा, रेडियन में लेना होगा, समझ रहे हो ना। थीटा हम डिग्री में नहीं लेंगे, अगर डिग्री में कभी दिया हुआ भी रहेगा तो हम कन्वर्ट कर देंगे।
कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले। तो बस ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं देखिए रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन है, लेंथ ऑफ आर्क कॉमा रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, मतलब जो इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल। चलिए इसको लिख लीजिए। तो एग्जांपल अभी हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री हम लोग को कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे मान लो कि 30 डिग्री है, आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन में बदलना है। बताइए कितना होगा आंसर, 30 डिग्री में कितना रेडियन। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम पढ़े हैं कि 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन, 1 डिग्री में कितना, पाई बाई 180। तो जितना भी निकालना होगा, मान लो कि थीटा में हमको निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू थीटा। कहने का मतलब क्या है कि ये हम रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर आपको डिग्री से आपको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना, बताइए रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे इसके लिए मल्टीप्लाई करोगे, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ जो भी डिग्री रहता वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता, कब, जब हम पाई बटा 180 से गुना कर देते तब। समझ में आ गया। तो अगर हमको 30 डिग्री को बदलना है तो हम करेंगे 30 गुना पाई बटा 180, कितना आंसर हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। अच्छा पाई का वैल्यू भी हम रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम पाई को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, जब रेडियन में लिखा हो रहता है तो जनरली पाई के टर्म में ही मिलेगा। ऐसे आप पाई का वैल्यू 22/7 जो पड़े हो वो भी रख सकते हो। चलिए आप लोग फटाफट लिखिए, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, जल्दी जल्दी कीजिए। तो सिंपल है, सभी में कितना से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। तो 60 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे 60 इंटू पाई बाई 180, कैंसिल हो जाएगा 3 से पाई बाई 3। 120 को करना होगा तो 120 इंटू पाई बाई 180, सब सिमिलरली सबको कर लेंगे, अगर कैंसिल करो 62 जाए 1 इतना और 63 जाए 180, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, इसी तरह से 150 180, 45 कितना आएगा, पाई बाई 4। 180 है तो पाई रेडियन ही है, अब 150 को भी चेंज कर लो आप। तो बस याद रखेंगे कि अगर हमको डिग्री में एंगल दिया हुआ है कहीं मिल जाए और रेडियन में हमको ज़रूरत है, और जनरली रेडियन में ही यूज करेंगे, 11th 12th क्लास में रेडियन में ही यूज करेंगे, तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाई 180 से। सभी को समझ में आ गया, बना दोगे सभी को ही। चलिए आगे में देखिए, तो अगर मान लिया जाए रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना होगा, रेडियन से अगर कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, रेडियन से अगर कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई पाई से। जैसे मान लिया जाए कि पाई बाई 6 दिया हुआ पहले से और हमको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, पाई बाई कैंसिल, कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। देखिए 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 था, तो पाई बाई 6 को अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ा, मतलब रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ा, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 180 बाई पाई से। समझ रहे हो, तो ये आ गया। कोई भी अगर एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो कि हम दे दें 2 पाई बाई 4 मतलब, या 2 पाई बाई कुछ भी ले लेते हैं, 2 पाई बाई 5 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई, पाई बाई कैंसिल, 36 2 जा 72,
चलिए तो इसको भी नोट कीजिए। तो अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तब मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई पाई से। आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री में हम दे रहे हैं, रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिखिए 20 डिग्री 30 मिनट। आपको क्या करना, ये क्वेश्चन है, 20 डिग्री 30 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन है कि इतना बराबर कितना रेडियन, यानी कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। एंगल दिया हुआ 20 डिग्री 30 मिनट। डिग्री में जब हम लोग पढ़े थे तो डिग्री में क्या पढ़े थे कि डिग्री भी होता है और उसका छोटा क्या होता है, मिनट भी होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लिखते हैं 2 घंटा 30 मिनट लिखते हैं ना जी, और पूछे कि इतना में कितना घंटा होता है, 2 आवर 30 मिनट इक्वल टू कितना आवर, तो इसको तुम लोग क्या लिखते हो बताओ तुम, इसको लिख, इसी को हम बोलते हैं 2.5 घंटा बोलते हैं ना, तो 2.5 घंटा आता है ना, 2.5 घंटा बोले या 2 आवर 30 मिनट बोले तो एक ही बात है। तो आपको इस एंगल को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको सबसे पहले जो मिनट है ना उसको हटा के डिग्री में बदलना होगा। सबसे पहले जो मिनट है, क्योंकि मिनट में तो हमको आता नहीं है, मिनट टू डायरेक्ट रेडियन नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि जब डिग्री से रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लिखेंगे 20 डिग्री प्लस 30 मिनट। मिनट को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करना होगा। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 1/60 × 30। जैसे आप मान लिया जाए कि 30 मिनट है में कितना आवर होता है, तो आप क्या करते हो, 60 से डिवाइड कर देते हो, यही ना करते हो, यानी हम बोल सकते हैं 1/2 आवर या 30 मिनट बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, तो मिनट टू अगर डिग्री में कन्वर्ट करना, टोटल को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या किए कि इसको हम लिख दिए 20 प्लस कितना लिख दिए 1/2, या इसको हम 20 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है, 20 प्लस 1/2 लिखे या 20 होल 1/2 लिखे, 20 पूर्णांक 1/2 लिखे, दोनों एक ही बात है। तो ये आ गया डिग्री, क्योंकि ये दोनों डिग्री में अभी है, तो ये हो जाएगा 41/2 डिग्री। तो 41/2 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर आएगा 41π/360 रेडियन, ये आंसर हो 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। आपको इसको एक्सप्रेस करना रेडियन में, मतलब रेडियन में बदलना है। ये कौन सा सिस्टम है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। ऐसे भी बोल सकता है कि सेक्सागेसिमल सिस्टम से कौन सा सिस्टम में कन्वर्ट करो, सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करो, क्योंकि रेडियन में बदलना होता सर्कुलर सिस्टम। तो इसको बना के दिखाइए, दो रेडियन में बदलने के पहले सबको डिग्री में चेंज करना होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री प्लस, अभी आपको बताए थे कि मिनट से डिग्री में बदलना है तो आपको 60 से डिवाइड करना है, तो 20/ हो जाएगा 60 प्लस 10/ कितना हो जाएगा 3600। तो ये भी मिनट में डिग्री में चेंज हो जाएगा और ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर लो, 1/3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस 1/3 कितना होता था, 1/3 प्लस
या 1/3 प्लस 1/360 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 45 इंटू 360 करना होगा मल्टीप्लाई के हो 16,200 प्लस इसमें अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा प्लस इसमें 1 आएगा कितना टोटल ऐड करने के बाद 360 क्या हो गया बताओ। अब जब डिग्री में हमको आ गया तो हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना है रेडियन में तो सिंपली फाइनली क्या करेंगे यहाँ पे इतना बाई 360 इंटू पाई बाई जितना भी आगे कैंसिल होता है तो ठीक है नहीं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें। करने आएगा सभी को करने आएगा चलिए क्वेश्चन और बनाइए दो 7 degree 30 minutes आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 degree 30 minutes इस क्वेश्चन को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए 7 degree 30 minutes को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब तुम लोग को हम क्वेश्चन पूछते हैं पहले बताना तो तुमसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लिया जाए मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है 15/7 hours कितना लिखा हुआ है 15/7 hours टाइम लिखा हुआ है आवर में यानी 15/7 hours तो इसमें हमको बताइए कि इसको मिनट कितना माने आवर हुआ कितना मिनट हुआ कितना सेकंड हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आंसर दोगे 15/7 hours में कितना आवर लिखेंगे कितना मिनट लिखेंगे और कितना सेकंड लिखेंगे। जैसे अच्छा ठीक है अभी छोटा एक और एग्जांपल पूछते हैं जैसे मान लो 15/2 लिखा हो रहा था तो 15/2 तुम कोई भी बता सकते हो कि 7.5 hours लिखा हुआ और लिखा हुआ है 7.5 hours लिखा हुआ है 15/2 मतलब तो कैसे हम पता किए कि 7.5 hours इसको हम लिख सकते हैं कि 7 hours 30 minutes 7.5 hours मतलब यही होता है ना कि इसमें 7 hours है और कितना मिनट है। अगर तुम ए पैटर्न समझते हो तो तुमको हर तरह का रेडियन टू फिर डिग्री चेंज करने आएगा अगर नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। कैसे चेंज करेंगे बताओ दो अगर इसको करना रहता ध्यान से समझना यहाँ पे अगर करना रहता तो हम क्या करते 15/2 को ना सबसे पहले सुन लो सबसे पहले इसको ना इस तरह से ब्रेक करेंगे 2 7 14 तो 7 whole 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या इतना आवर था ये यहाँ पे आवर में तो यहाँ पे देखो जो इंटीग्रल पार्ट आया ये 7 मतलब जो पूर्णांक आया उसको हम लिखेंगे 7 hours और 1/2 hours रहे ना 7 hours प्लस 1/2 hours यानी कि 7 hours हो गया ये तो इंटीजर है ही और जो फ्रैक्शन में आता है उसको हम 1/2 × 60 कर देते हैं तो एक चेंज हो जाएगा मिनट में क्योंकि 1 hour में कितना मिनट होता है तो चेंज हो गया कितना बताओ 7 hours 30 तो ऐसा रूल होता चेंज करने का। कहने का मतलब क्या है ना कि जब एक टोटल आवर में दिया हुआ अगर हमको मिनट सेकंड तक भी पहुंच रहा है तब हम क्या करते जाएंगे कि इसको हम पूर्णांक में तोड़ते जाएंगे और पूर्णांक में अगर ब्रेक करते जाओगे जो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे दावर से मिनट में होगा अगर यहाँ भी फ्रैक्शन बचा हुआ रहता तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दे और सेकंड में बदल दे। इतना समझ में आ गया अच्छा अब हम क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन आते हैं किस में क्वेश्चन करते हैं जैसे देखो हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि अगर रेडियन में पहले से दिया हुआ है और क्या चीज में चेंज करना है डिग्री में चेंज करना समझना है। हम पहले तो कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 2π/2π/ मान लो कुछ भी लिखा हुआ 2π/ मान लिया जाए कि लिखा हुआ 3 और आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कीजिए
आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है डिग्री में, 2π/3 अगर लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करना है डिग्री में। कितना हो गया, 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे कन्वर्ट हो जाएगा ना, बोलो सबसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें क्या रूल सिखाया है कि कितना से मल्टीप्लाई कर देना, 180/π से π/π कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया 60 से, कितना आंसर आ गया 120। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन तो बनाना बहुत आसान है। सेकेंड नंबर में ले लेते हैं, मान लो कि 2 रेडियन, आपको 2 रेडियन लिखा हुआ, यहाँ पे पाई वगैरह नहीं लगा हुआ, सुन लो, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, करके दिखाओ, कन्वर्ट, 2 रेडियन है और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, देखिए जब हम डिग्री में लिखते हैं ना तो पाई के टर्म में नहीं लिखते हैं, पाई का हम वैल्यू पुट करके लिखते हैं, जब रेडियन में लिखते हैं तो पाई के टर्म में छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन जब डिग्री में लिखते हैं ना तो पाई के टर्म में हम आंसर नहीं लिखते हैं। देखो इसको कैसे बनाएंगे, समझना बात को, 2 रेडियन था तो अगर हमको डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 2 × कितना करना होगा बताइए, 2 × 180/ ये क्या चीज़ में चेंज हो गया, अब देखिए ये हो गया 360/π, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/ 180 डिग्री में नहीं, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर रहा है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/ अरे देखो रेडियन से हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। अगर पाई पहले से रहता कि तुमको क्या बताए कि अगर मान लो कि पिछले बार में ऐसे था 3π/something था, तो हम पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, लेकिन पाई का वैल्यू कितना होता है 22/ यानी 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ऐसा समझ लो, समझ गए। तो यहाँ जब हम क्या चीज़ में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में, तो इस पाई का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, इतना डिग्री होगा। अब देखिए कितना होगा बताइए, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 0, 7, 6 जब 42 तो 2 और फिर यहाँ पे 4 रह जाएगा 25, इतना आता है, देखो तो इतना डिग्री आ गया। अब देखिए अगर डिग्री, एक बार कंप्लीट सुन लो फिर बनाना अगले बार, अगर डिग्री आ गया फ्रैक्शन में, डिग्री आ गया फ्रैक्शन में, तो उसके लिए और छोटा यूनिट बदलेंगे, जैसे अभी हम तुमको बताए थे, जैसे हम बोले कि 15/2 आवर है, तो हम बोल रहे हैं कि 7 आवर और कितना 30 मिनट, यानी इसी को हम 7.5 घंटा बोल रहे। अब हमको ऐसे बदलना पड़ेगा, जब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया तो हमको इसको जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आवर में रखेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मिनट में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि तुमसे कोई आदमी टाइम पूछा 7:30 हो रहा है, तो तुम बोला कि 7:30 टाइम हो रहा है, अभी 7:30 बज रहा, किसी आदमी को मान लिया जाए कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पूछ तुम बोल दिया कि अभी 15/2 आवर हो रहा है, वो समझ में जाएगा, तो समझते रहेगा कि क्या बोल रहा है, तुमको बेवकूफ़ बना देगा, लगता टाइम देखने नहीं आता, तो उसको हम बताएंगे क्या चीज़ कि 7:30 हो रहा है, तो समझ गया, यानी 7:30 ज़्यादा हो रहा है, अरे यही ना समझेगा, लेकिन तुमको अगर तुम किसी को बोल दो कि बताओ 15/2 आवर हो रहा है, समझ जाएगा वो, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सुनो, जब फ्रैक्शन में आता है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, तब क्या करते हैं बताओ, तब क्या करेंगे, इसको हम और मिनट और सेकेंड तक ले जाएंगे, और इसका तरीका देखो, सबसे पहले ना इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करो तो 22 डिवाइड करने आएगा ना, यहाँ पे देखो डिवाइड करके बताते हैं,
2520 है, डिवाइड करोगे तो एक से लगाओगे, फिर रिमाइंडर तीन बचेगा, फिर दो, फिर एक से ही लगाओगे, कितना बचेगा 10, देख लो, और फिर कितना 0, तो कितना से 4 से कितना हो जाएगा 2 और 1 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 114 होल 12 by 22। अरे ऐसे सबको ब्रेक करने आता है कि नहीं आता है? तो इस तरह से हम ब्रेक कर लिए। इसको हम लिख सकते हैं 114, यहाँ इंटीग्रल पार्ट आएगा, यानी 114 114 × 12/22। अब देखो ध्यान से समझना, इसको हम चेंज कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 114 डिग्री, ये डिग्री हमारा आ चुका है जो इंटीग्रल पार्ट, अब प्लस में आया है 12 बटा 22, ये भी डिग्री में ही अभी है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन पार्ट आया इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, और डिग्री से मिनट में बदल जाएगा, समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा, अगर इसको कैंसिल करो तो कैंसिल करो, कैंसिल होता है 11, कितना 11 × 12 = 22, और 6 × 12 = इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 114 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर में हो गया 360/11 मिनट। अरे समझ रहे हो बात को, इतना डिग्री हो गया, इतना मिनट हो गया। अब देखो ये भी फ्रैक्शन में, तो ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको फिर से हम करेंगे, देखो यहाँ पे इतना, और इसको फिर से ये चीज में लिखो, तो अगर करोगे तो 11 तो यही 33 और 3 बचेगा, 11 × 22 और 8 बचेगा, देखो तो इतना ही होगा ना, इसको हम क्या चीज़ में ब्रेक कर दिए, इस तरह से हम ब्रेक कर दिए, देखो सही है ना, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब क्या हुआ 114 डिग्री, और ये जो इंटीग्रल पार्ट आया ये मिनट में बदल जाएगा, यानी कि 32 मिनट हो जाएगा, और ये जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, कितना आएगा बताओ, देखो कितना आएगा 114 मिनट, सॉरी डिग्री 32 मिनट, और इसमें कितना आएगा, इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे, यहाँ आ रहा है कितना 8 है ना जी, तो 480, देखो यहाँ 480 भाई कितना आ रहा है, कितना होगा बताओ 11 × 44, अब बचा 4 × 40, 11 × 33 बचेगा 7, 11 × 66 इतना आ रहा है लगभग। तो इसका हम सिर्फ ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, मान लो 43 सेकंड, ऐसे बाकी छोड़ देते क्योंकि इससे छोटा और यूनिट है नहीं। तो इसका मतलब 2 रेडियन में हुआ 114 डिग्री 32 मिनट और लगभग 43 सेकंड।